बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने महिलाओं पर की गई टिप्पणी के लिए बीसीसीआई के कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए कहा, मैं विनम्रतापूर्ण माफी मांगता हूं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 24 घंटे के अंदर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल से इस मामले में जवाब मांगा था। हालांकि इस मामले में अब भी केएल राहुल का जवाब आना बाकी है। टीवी शो कॉफी विद करण ने महिलाओं के खिलाफ विवादित बयान देने के बाद से ही सोशल मीडिया समेत चारों ओर हार्दिक पांड्या की जमकर आलोचना हो रही है। दरअसल महिलाओं पर टिप्पणी वाले इस मामले में सोशल मीडिया पर निशाने पर आने के बाद बीसीसीआई ने पांड्या पर एक्शन लेते हुए उनसे 24 घंटे के अंदर सफाई मांगी थी। इससे पहले खुद सोशल मीडिया पर अपनी बेइज्जती होते देखकर पांड्या ने ट्वीट करते हुए विवाद बयान पर माफी भी मांगी थी। पांड्या ने कहा था, मेरी किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जिन्हें भी मैंने दुख पहुँचाया उनसे मैं माफी मांगता हूँ। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।